नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं लेकिन एक नजर हेडलाइन पर। 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला, आरोपी व्यक्ति पेशे से वाहन चालक था, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मौसम में बदलाव के कारण बढ़ने लगी बीमारियां, स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट जारी। किच्छा चीनी मिल में माफियों का राज, किसानों ने चीनी मिल में निदेशक का किया घेराव, किसानों ने जताया आक्रोश। 18 बस वाहन चालकों पर कार्रवाई, 3 बसों का किया सीज, आरटीओ के द्वारा कार्रवाई की गई। खबर विस्तार से। जनपद पौड़ी के सतपुली तहसील में नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें, छेड़खानी करने वाला व्यक्ति युवती के गांव का ही बताया जा रहा है। राजस्व पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सतपुली में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसी के गाँव में एक अंधेर व्यक्ति के ने छेड़छाड़ किया, आरोपी व्यक्ति के पेशे से वाहन चालक। मामले में लड़की के परिजनों ने राजस्व पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। युवती के राजस्व पुलिस द्वारा मेडिकल करवा दिया गया है, पैच फिलहाल मामले की जांच जारी है। तहसील सतपुली के क्षेत्र अंतर्गत 25 फरवरी को एक मामला हमारे संज्ञान में आया, जिसमे तहरीर द्वारा हमें बताया गया कि एक नाबालिग बालिका जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, इस आदमी को छेड़खानी की गई है। इस मामले में राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा FIR दर्ज कर लिया गया है तथा साथ साथ में हमने बालिका का मेडिकल भी करा दिया है। इसके साथ साथ इस मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय कार्यालय को भी अवगत करा दिया। जहां एक और फरवरी का महीना खत्म हो चुका है तो वहीं दूसरी ओर अब मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। हालांकि गर्मी भी महसूस होने लगी है लेकिन बीच बीच में बारिश होने की वजह से ठंड का आहस अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि इस मौसम में बदलाव में सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, आंखों में जलन, पेट दर्द और फ्लू जैसी बीमारियों का शिकार लोग बड़ी संख्या में हो रहे हैं। वही बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी जा रही है और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में दवाई सहित लोगों की जांच भी की जा रही है। देखिए, अब जैसे ठंड खत्म हो गई और गर्मी आ रही है तो ये जो बीच का एक पीरियड होता है जिसमें मौसम एकदम से बदलता है, उस समय ये दिक्कतें ज़्यादा शुरू होती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जैसे कॉलरा हो गया, हैजा हो गया, ये सब बीमारियाँ, डायरिया होने लगता है, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, तो उसमें सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। किच्चा शुगर फैक्ट्री में किसानों द्वारा गन्ने की पर्ची में हो रही देरी की वजह से किसानों ने चीनी मिल निदेशक तिलोक सिंह मर्तोलिया का घेराव किया, साथ ही किसानों ने आक्रोश व्यक्त किया। पड़ोसी प्रदेश से गन्ना माफिया उत्तराखंड की सीमावर्ती चीनी मिलों पर जुगाड़ से गन्ना तौल कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि किच्चा चीनी मिल में अवैध रूप से गन्ना खरीदने वाले माफियों का राज है। अधिशासी निदेशक ने बताया कि अवैध रूप से गन्ना खरीद को सख्ती के साथ रोकने की कार्रवाई की जाएगी और गन्ना माफियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। ये मैं एक सोसाइटी का छोटा किसान हूँ, जब ये फैक्ट्री बनी है तब से हमारे बुजुर्ग यहाँ फैक्ट्री के एक शेयर होल्डर है, बट मैं देख रहा हूँ ये पिछले साल से कोई एक नई तरीके की नीति इन्होंने बना दी है, जो फैक्ट्री में दलाली बढ़ रही है। जिनका बाहर क्षेत्रों से आकर यहाँ गन्ना तुलवाया जा रहा है और यहाँ के मूल किसान का गन्ना नहीं तुल रहा है, निश्चित रूप से दुर्भाग्य का विषय है। हमने ED महोदय से कहा है कि इस पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए और निश्चित रूप से जो यहाँ के किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनका गन्ना तोला जाएगा। फर्जी किसी ने अपना भरवा लिया है कि मेरे पास गन्ना बहुत सारा मात्रा में है लेकिन मौके पर गन्ना मौजूद नहीं है, वो पर्चियाँ ब्लैक कर रहे हैं, तो इस पर रोक होनी चाहिए। ये प्रशासन को, गन्ना विभाग को और चीनी मिल को देखना चाहिए, वही हमने कहा, और नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सोसाइटी पर हम धरना प्रदर्शन बहुत जल्दी करेंगे। इस समय कुछ किसान लोग आज मिले थे तो उनकी कुछ मेन समस्या ये है कि कुछ किसानों को जो है पैसा नहीं मिल रही है और कतिपय ने शिकायत भी की है कि बाहरी क्षेत्र से गन्ना यहाँ पर आ रहा है करके। तो इस संबंध में मैंने अभी 3 दिन पहले ही सहायक गन्ना आयुक्त और उनके जो सचिव हैं उनसे मीटिंग की थी और मैंने उनको उस संबंध में डायरेक्शन भी दिया था कि यदि कोई सत्ता अगर आपको गलत बना है जिसके माध्यम से, क्योंकि बाहरी लोगों का गन्ने संभावना है, तो उनके द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया कि उसका हम लोग जो है 3-4 दिन में सर्वे कर लेंगे। सर्वे के बाद जो भी सट्टा अगर यदि कोई गलत बना है तो उनका कहना था कि हम लोग उसको जो है निरस्त करेंगे। विकास नगर ARTO की बड़ी कार्रवाई, ARTO ढालीपुर ने चेकिंग अभियान चलाकर स्कूल बसों पर की गई कार्रवाई, जिसमें की अनियमितता पाए आने पर 18 बसों पर वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई और 3 वाहनों पर सीज किया गया।
वहीं एआरटीओ ने बताया कि हमारे द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर स्कूल बसों में ओवरलोडिंग और प्राइवेट बसों में जो भी अनियमितताएं पाई जाएंगी उन पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि अभी 3 दिन पूर्व एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें कि एक छात्रा और एक छात्र की मृत्यु हो गई थी। इसी को देखते हुए एआरटीओ के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जनपद पौड़ी से सटे कलजीखाला ब्लॉक में एक परिवार के साथ गांव की प्रधान और उनके साथी द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की ओर से बताया गया कि पिछले वर्ष उनकी बेटी के साथ हुई छेड़खानी के मामले को दबाने के लिए प्रधान और उनके साथियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने बताया कि उनका परिवार डर के साए में जीने के लिए मजबूर है और भी देर रात को ही वे अपना घर छोड़कर जिला अस्पताल पौड़ी अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना मेडिकल भी करवा लिया है और आज जिलाधिकारी के समक्ष अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। वहीं पीड़ित का कहना है कि अगर जिलाधिकारी के माध्यम से न्याय नहीं मिलता है तो वो अपने परिवार संग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगी। वहीं पूरे मामले में डीएम पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगडंडे ने द्वारा जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद करता हूं मैं पत्रकार महोदय को। मैं ये चाहता हूं कि मैं इस लड़की के केस में, इस छेड़खानी का केस था पूरा, मैं साल से घूम रहा हूं। मैंने नायब तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को भी रिपोर्ट की छेड़खानी के मामले में, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम सभा बेड़गांव में ग्राम प्रधान प्रमोद सिंह रावत और उसके साथ भगीरथ पटवाल पुत्र श्री परशुराम, इन्होंने मेरी बेटी के साथ छेड़खानी की और छेड़खानी करते हुए जब मैंने उनके लिए बोला कि छेड़खानी क्यों, तो सारे के सारे मारने के लिए हमारे ऊपर आ गए। इसमें गांव के कुछ अन्य लोग भी मिले हुए उसके साथ। ये पीछा रखती हूँ कि वो मुझे मेजर न्याय दें, अगर वो नहीं न्याय नहीं देंगे तो आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहीं आत्मदाह करूँगी और मैं मरते सबका नाम बोलूँगी क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिल रहा। 3 बार का केस कर चुकी हूँ मैं। कलजीखाल के मनियार सुपट्टी के बेड़गांव जो ग्राम है, इसके ग्राम प्रधान और साथ में कुछ ग्रामीण व्यक्ति और एक परिवार उसी गांव के अंदर निवास करने वाले, उनको अपने परिवार के साथ में आए हैं। आपस में उनका कुछ मारपीट हुआ था तो उसमें उनका मेडिकल करवाया गया है। दोनों पक्षों से बात किया गया है, उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है और दोनों पक्षों के द्वारा वादी के रूप में तहरीर भी दिया गया है थानों के ऊपर। तो वह FIR दर्ज करने का निर्देश मैंने दिया है और इस घटना का जांच करने के लिए अभी संबंधित तहसील के जो नायब तहसीलदार होंगे उनको हम नामित करेंगे और घटना की जांच होने तक दोनों पक्षों से अनुरोध किया है कि इसके बाद में कोई विवाद ना किया जाए, शांतिपूर्वक माहौल जो है ग्राम सभा में बनाया जाए। तो आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुद्दे, रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ। देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।